रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। ये तस्वीर उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर मौजूद सिलक्वारा सुरंग की है। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह सिलक्वारा सुरंग का एक हिस्सा अचानक गिर गया था, जिसकी वजह से सुरंग में काम कर रहे 40 मजदूर अंदर ही फंस गए। हालांकि रविवार से ही सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस टनल हादसे को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बचाव और राहत कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस कर्मियों की टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। वहीं मौके पर पुलिस बलों के साथ एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। टनल के अंदर फंसे लोगों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया जा चुका है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रक्षा दल के एक अधिकारी ने बताया कि बचाव कार्य बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है। बचाव कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि अभी अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। आइए आपको सुनाते हैं सर्किल ऑफिसर उत्तरकाशी का क्या कुछ कहना है। अभी तक की प्रेजेंट स्थिति यह है कि हमारे कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था जो अंदर मजदूर फंसे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि जो मलबा, जो पैच है मलबे का, वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगे जाना बाकी। कब तक लग रहा सर ये चीज़ें हट जाएंगी, मलबा जो है और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। वो ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक भूस्खलन की वजह से मलबा गिरने से मजदूर टनल में लगभग 60 मीटर अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें से 15 से 20 मीटर टनल को खोद लिया गया है। टनल में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछाई पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर करमवीर सिंह भंडारी की माने तो सुरंग के अंदर फंसे सभी 40 लोग सुरक्षित हैं। उन्हें पानी और खाना मुहैया कराया गया है। मलबा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बचाव कार्य बिना रुके जारी है। अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं, उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके एकदम सेट हो रखा है, लेकिन उसके आगे जो टनल जो काम चल रहा है वहाँ पर भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन्स जो लगी हुई हैं खुदाई करने के बाद जो एक्सकेविशन का काम कर रही हैं, तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है। ये समस्या थोड़ा हमें पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा हैवी होकर नीचे धस रहा है। सर, कब तक माने कि लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं? सर, आज का दिन माने? हम तो सोचते हैं कि आज हो जाना चाहिए। हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी लोग भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे कल रात से लगी हुई है, जब से पता लगा हमें हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पूरी मतलब हम पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर ने अंदर फंसे 40 मजदूरों की लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल के रहने वाले हैं। फिलहाल सभी की सभी टीमें मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई हैं और आला अधिकारियों ने इस पर पूरी तरह से नजर बना रखी है और उम्मीद है कि जल्द सभी मजदूर बाहर सुरक्षित आ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।